किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो हमारी मेहनत के साथ साथ उस ऊपर वाले के रहमत से मिला है। हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन चौहान आज फिर एक नए सद्विचार के साथ जो बदले आपका जीवन। हर रविवार को एक नई कहानी के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है ईरान के बादशाह की। उस बादशाह के पास बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारी धन संपत्ति थी और उसे इस बात का बहुत ही घमंड था। एक बार अबू सकीर नाम के संत उस बादशाह से मिलने आए और जब उस संत को इस बारे में पता चला कि बादशाह को बहुत ही घमंड है, तब उस संत ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, आपके पास कितनी धन संपत्ति है? तब बादशाह ने कहा कि बेशुमार, मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे खजाने में कितनी संपत्ति है। तब वो संत मुस्कुराए और बादशाह से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न, बादशाह सलामत, समझो कि आप सहारा के रेगिस्तान में कहीं खो गए हो, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा और आप भूख और प्यास से बिलख रहे हो और ऐसे में कोई बंदा आके आपको एक लोटा पानी देता है तो बादशाह सलामत, आप उसे क्या पुरस्कार देंगे? बादशाह खुश हो गए और बादशाह ने कहा कि अगर ऐसे टाइम पे कोई मुझे पानी देता है तो मैं अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा। संत मुस्कुराए और दूसरा प्रश्न पूछा, बादशाह सलामत, समझो कि आप बहुत बीमार पड़ गए हो, सारे वैद्य और हकीम आपको ठीक करने में लगे हैं और आप ठीक नहीं हो रहे हो और ऐसे में कोई एक बंदा आता है और आपको एक ही दवाई देता है और इस एक ही दवाई से आप ठीक हो जाते हो, तो बादशाह सलामत, आप उसे क्या पुरस्कार देंगे? बादशाह फिर खुश हो गए और कहने लगे कि अगर ऐसा कोई बंदा मिले तो मैं अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा। संत फिर मुस्कुराए और राजा से कहा कि बादशाह सलामत, अब जिस संपत्ति पर इतना अभिमान कर रहे थे, जिस संपत्ति पर आपको घमंड था, उसकी कीमत तो सिर्फ एक लोटा पानी और एक दवाई से ज्यादा कुछ नहीं है। बादशाह सलामत समझ गए कि ये संत क्या कहना चाहते थे। उसका अभिमान चूर चूर हो गया और वो जाके संत के चरणों में गिर गए। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी भी बात का अभिमान मत करना। चाहे हम किसी भी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हो, चाहे हमारे पास बेशुमार धन संपत्ति है, चाहे हमारे पास ऐसा कोई हुनर है, मगर किसी भी बात का अभिमान मत करना, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो हमारी मेहनत के साथ साथ उस ऊपर वाले की रहमत से मिला है। पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी एक दिन खाली हाथ ही गया था, इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान मत करो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे ये सद्विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार को ऐसी ही एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।